अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज कुक विद फरीहा की किचन में बन रही है क्रिस्पी फिश फिले, बन रही है सुपर क्रिस्पी और बहुत ही मजे की किड स्पेशल है। चलो हम देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। चलिए फ्रेंड्स, क्विक सी हम क्रिस्पी फिश फिले को बनाना स्टार्ट करते हैं। दो फिश फिले हैं, हाफ के जी के करीब होंगे इसके। हम जितने भी पीसेस आपके घर में पसंद किए जाएं, बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं अच्छे लगते, तो मैं इतने ही रेडी करती हूँ क्योंकि हमारे घर में बच्चे ही बहुत शौक से खाते हैं। चलें जी, क्विक से हमने काट लिए हैं। इसके बाद लेमन जाएगा, एक छोटा सा लेमन था उसको मैंने स्क्वीज करके रखा हुआ है। 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। स्पाइसेस आप देख लें, 1 टीस्पून सूर्ख मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है क्योंकि हम इसकी कोटिंग में भी डालेंगे, 1 टीस्पून क्रश चिली, 1/2 टीस्पून पेपरिका और ब्लैक मिर्ची का पाउडर है और 1/2 टीस्पून ही अजवाइन है। ठीक है, ये इसके अंदर चली जाएगी। बस हमें इतनी ही चीज़ें डालनी है, पहले स्पाइसेस को और लेमन जूस को डालकर तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको अब 10 से 15 मिनट तक कर लें मैरिनेट। इतने हम बाकी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम कर लेते हैं साइड पर। चलें जी, ये मैदा है, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने गार्लिक पाउडर डाल दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कोटिंग के लिए तैयार। और इसके बाद ये मैंने ली ही थी 2 टेबलस्पून दही, उसमें 1/2 कप मैंने इसमें डाल दिया है पानी नॉर्मली, और इसके अंदर ये 2 अंडे की जर्दी चली जाएगी। ठीक है, ठंडा दही था, याद रहे दही आपने ठंडा लेना है और पानी भी। ठीक है, इसको अब अच्छे से बीट कर लेंगे हम। बस ये हो गया है हमारी कोटिंग का मिक्सचर रेडी। चलें जी, उधर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, फिश फिले मैरिनेटेड जो था वो ले लेंगे। इस तरह से मैदे में आपने डिप करना है, दूसरे हैंड से इसको यूज करके 2-3 पीस हम इकट्ठे ही उठा लेंगे और इसको अच्छे से हमने कोटिंग कर लेनी है। इसकी फर्स्ट कोटिंग कर रहे हैं ये हम, ठीक है, अच्छे से आपने इसको करना है। फिर अगेन इसको आपने इस तरह से ये जो बैटर भी हमने रेडी किया है इसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर अगेन इसके अंदर डिप करेंगे ठंडे ठंडे बैटर में, और इस तरह से अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फिश फिले जो है वो बहुत क्रिस्पी रेडी होगी। इसी तरह हम सारे जो पीसेस हैं उसको रेडी कर लेते हैं। खैर, मैं आपको एक पीस का परफेक्टली जो कोट हो जाता है उसको दिखाती हूँ, फाइनल उसकी लुक के किस तरह से होगा। ठीक है, जैसे ब्रोस की लुक रेडी हो जाती है, इसको आप झाड़ लें, ये देखिए इस तरह से रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह मैं सारे बना लूँ, फिर इजीली फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना। चलें जी, ऑयल हमारा परफेक्टली बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें 1 बाय 1 हम अपने चिकन के पीसेस डाल देंगे, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को नॉर्मल कर देना, मीडियम पे ले आएंगे ताकि फिश अच्छे से कुक भी हो जाए और क्रिस्पी भी बन जाए। इसमें चलिए फ्रेंड, ये देखिए हमारी क्रिस्पी सी फिश जो है वो परफेक्टली रेडी हो गई है। अब मैं इसको किचन टॉवल पे निकाल लेती हूँ। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।